सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाड़ा सारयां दा अपने चैनल जी एस अपडेट्स की एक होर नवी वीडियो दे विच बहुत बहुत स्वागत है। अज दी आपां इस वीडियो दे विच स्कूलां नूं लैके एक बहुत ही वड्डी अपडेट देखांगे। बहुत ही वड्डी अपडेट अते लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। सो की है वह अपडेट तुहानूं अज दी इस वीडियो दे विच पता चलेगी। सो तुसीं इस वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना ते नाल ही अपने दोस्तों मित्रों नाल जरूर शेयर कर देना। तो जेकर तुहाडे मन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, तो नाल ही इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हो। जी एस अपडेट्स नाम से इंस्टाग्राम की आई डी है। सो ज़्यादा समा वेस्ट ना करते हुए चलो आप अज की इस वीडियो में शुरू करते हाँ। अक्टूबर से दस्तक दे सकती है करोना की तीजी लहर, बच्चों वधेरा खतरा, महा कमेटी ने PM नूं सौंपी रिपोर्ट। सो वड्डी अपडेट निकल के आ रही है जिस विच कहा जा रहा है कि अक्टूबर दे विच करोना की तीसरी लहर आ सकती है ते नाल ही इस दे विच बच्चों नूं ज़्यादा खतरा है। इस साल अक्टूबर तक देश विच करोना की तीसरी लहर का खदशा है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अधीन गठित एक माहर पैनल ने तीजी लहर बारे चेतावनी दी है। दसिया जा रहा है कि तीजी लहर अक्टूबर के आस पास सिखर ते पहुँच सकती है। कमेटी ने इस समय दौरान बच्चों लई बेहतर डॉक्टरी तैयारी की जरूरत पर जोर दिता है। नाल ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विच किया गया है कि बच्चों नूं बालगां दे बराबर ही खतरा है। कमेटी ने PM नूं रिपोर्ट सौंपी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों ते गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट च किया है कि बच्चों लई मैडिकल सहूलतां, डॉक्टर स्टाफ, वेंटीलेटर, एंबूलेंस आदि वर्गे उपकरण किते नहीं मिलते, बच्चों नूं लाग लग जाती है। यह रिपोर्ट PM नूं सौंपी गई है। रिपोर्ट विच गंभीर रूप तो बीमार ते अपाहज बच्चों वल तरजीह दे आधार ते विशेष ध्यान देने की मंग की गई है। बहुत सारे अध्ययनां ने तीजी लहर की संभावना बारे गल की है, पर यह हू तां अनुमान है। बच्चों नूं अजे तक टीकाकरण नहीं किया गया है, इस लई उन्हां दे लाग दे जोखम बारे विचार वटांदरे किए गए हैं। बहुत सारे माहर मनते हैं कि बच्चों नूं गंभीर लाग का खतरा नहीं हो सकता, पर ओह लाग नूं दूजे लोगों विच फैला सकते हैं। एक होर अनुमान दसदा है कि करोना तीजी लहर दूजी लहर के मुकाबले घट गंभीर होगी। तीजी वेव की तैयारी बच्चों की। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है नीट क्रैक करने का और आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेके आया है सभी टॉप एजुकेटर्स को अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो जी हाँ फ्रेंड्स, नीट UG 2022 और नीट UG 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 अगस्त से, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और साथ में अनअकैडमी की अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 12 मंथ की, तो मात्र 3,208 रुपये पर मंथ पे करके आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप हैं नीट 2022 और नीट 2023 एस्पिरेंट और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, आप उसे फिल कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है नीट UG 2021 के लिए, जिसमें आपके 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे बहुत इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, जो कि 28 अगस्त 2021 को 2 से 5 PM तक लिया जाएगा। ऑल इंडिया नीट UG रैंक प्रेडिक्टर है, वीडियो सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन भी मिलेगा, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट होगी विद क्वेश्चन लेवल एनालिस्टिक्स, मॉक टेस्ट क्यूरेटेड इन लाइन विद द लेटेस्ट नीट UG एग्जाम पैटर्न होगा। सो जिस और ये है पूरा शेड्यूल जिसे आप नोट कर सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग मैंशनड है। सो फ्री में एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करके। एंड साथ में रिवाइजर थॉन ऑल इंडिया रिवीजन कैंप फॉर नीट 2021 बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए स्टार्ट हो चुका है 21 अगस्त से, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 13 डेज रिवीजन बूस्टर होगा 38 टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एंड 90 टॉप सेशंस होंगे। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कमजोरी ते रिकवरी रिपोर्ट विच करोना संक्रमित बच्चों लई लोड़िंदा रणनीतियां अते महामारी नाल नजिठण दी रणनीति बारे चर्चा की गई है। सो बहुत ही वड्डी अपडेट निकल के आ रही है जिस विच कहा जा रहा है कि करोना की तीजी लहर अक्टूबर दे विच आ सकती है, जिस विच बच्चों नूं वधेरा खतरा है। सो की इस समय स्कूलों नूं खुला रखना ठीक है फैसला है, कमेंट करके जरूर दसना। जेकर करोना केसिस वधदे हन तां स्कूलों नूं बंद करन बारे कोई ना कोई सरकार वल्लों फैसला जरूर लिया जाएगा। हो सकता है स्कूलों नूं बंद किया जाए जेकर करोना के केसिस वधदे हन। सो अक्टूबर दे विच स्कूलों नूं बंद किया जा सकता है। बहुत ही वड्डी अपडेट है तुहाडे सब दे लई।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ GS ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।